So, TS Technical Gadgets में आप सभी का फिर से स्वागत है। So guys, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ हाई टेक एंड अमेजिंग गैजेट्स के साथ मैं आपको रूबरू कराने के लिए आप सभी के लिए लेकर आया हूँ न्यू टेक्निकल गैजेट्स। तो फ्रेंड्स, आपने रावण मूवी में तो देखा ही होगा कि कैसे रावण और जीवन गेम से बाहर आ गए थे और लूसीफर ने जीवन को टच करके फील भी किया था। तो गाइस, आपने भी कभी ऐसा सोचा है कि आप किसी चीज के बारे में सोचें, वो रियल में आपके सामने आ जाए और आप उसे छूकर फील कर सकें, और एक ऐसा स्मार्ट बैंगल जो आपके इमोशंस को डिटेक्ट करके अपना टेक्सचर और कलर चेंज करता हो, और भी बहुत सारे अमेजिंग गैजेट जो आपकी नीड्स को फुलफिल करेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए और फिर बैठ जाइए रिलैक्स होकर आराम से, ताकि इन गैजेट्स का आप मजा उठा सकें। सो लेट्स रन। DJI रोबो मास्टर। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत होती है एक ऑसम और ढासू रोबो के साथ, जिसे आप खुद बिल्ड करके अपने ऑसम और स्मार्ट फीचर्स का मजा उठा सकते हैं। तो बात करें इसके लुक्स की, जो कि बहुत ही यूनिक है एक ट्रेडिशनल रोबो से, और ये ट्रैक तो ऐसे करता है मानो बटर का फीस फिसल रहा हो, क्योंकि इसमें होती है स्मूथ रोटेटिंग स्पिनिंग मोटर्स। एक्चुअली इसमें खास बात ये है कि ये एक AI बेस्ड रोबो है जो कि तुरंत रिस्पॉन्स करता है आपके कमांड्स पर, और हाँ, आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ वन ऑन वन कॉम्बैट भी कर सकते हैं और एक दूसरे को चैलेंज भी कर सकते हैं। इन्हें आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर जीतने के लिए वर्चुअल मूव्स के कमांड्स भी दे सकते हैं और दूसरे को हरा सकते हैं। इसके लुक्स और फीचर्स को देखकर इसे परचेस करने का मन तो हो ही जाता है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेस कर सकते हैं Amazon से, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, ड्रोन्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक ड्रोन है जो कि फेमस है अपने एक खास फीचर के लिए, और वो फीचर है कि एक ड्रोन ही नहीं बल्कि एक सबमरीन भी है। ये ड्रोन और इसका रिमोट दोनों ही वाटरप्रूफ होते हैं। फ्लाइंग के साथ साथ आप इसे पानी पर स्विम भी करा सकते हैं। ये पानी पर अपसाइड डाउन यानी कि 180 डिग्री फ्लिप्स भी मार सकता है, और पानी में स्विम करते करते इसके प्रोपेलर्स ऑन हो जाते हैं और ये पानी से ही टेक ऑफ करते ही हवा में उड़ने लगता है। इसका यही फीचर इसे खास बना देता है, क्योंकि नॉर्मल ड्रोन में भी टेक ऑफ का एक ऐसा फीचर है जिसमें ड्रोन अक्सर फेल हो जाते हैं, बट ये ड्रोन तो ग्राउंड के साथ साथ डायरेक्ट पानी से भी टेक ऑफ कर लेता है। और गाइस, इसके प्रोपेलर इसे हवा में ही नहीं उड़ाते बल्कि पानी के अंदर एक सबमरीन की तरह इसे स्विम करने में भी काफी हेल्प कर देते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक एम्फीबियन ड्रोन है। और अगर आपको भी ये ड्रोन पसंद है और आप इस ड्रोन को परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे AliExpress से परचेस कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो गाइस, स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट बैंड्स तो आपने कई देखे होंगे, बट अब मिली है इस स्मार्ट बैंगल से। ये बैंगल ऊपर की साइड से पूरा ग्लास से बना होता है, जिसकी वजह से ये देखने में बहुत ज्यादा ऑसम और अमेजिंग लगता है। साथ ही ये AI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है। ये आपके इमोशंस को डिटेक्ट करके अलग अलग थीम्स शो करता है और आप अपने हिसाब से भी इसे और ऑसम बना सकते हैं। ये एक स्मार्टफोन के सारे काम भी कर देता है। ये आपको नोटिफिकेशन भी शो करेगा, साथ ही इससे आप मैसेज भी भेज सकते हैं। ये स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल होता है। इसमें बहुत सारी थीम्स पहले से ही मौजूद होती हैं। आप इसमें अपने सोशल मीडिया और अकाउंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ग्रेविटी सेंसर भी मौजूद होता है, जिससे कि मोशन के अकॉर्डिंग अपनी स्क्रीन में रिस्पॉन्स पैदा करता है। इसके साथ इसे चार्ज करने के लिए एक वायरलेस चार्जर भी साथ आता है, जिससे आप इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। इसके सामने तो स्मार्ट वॉचेस हो या कोई बैंड, सब के सब फ्री के लगते हैं। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इसे AliExpress से परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप किसी कम एज के बच्चे के लिए एक एप्रोप्रिएट गिफ्ट की तलाश में हैं, तो केडीवाइल नाम का ये इंटरेक्टिव रोबोट एप्रोप्रिएट नहीं बल्कि बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले तो ये बच्चों में पैसों को सेव करने की अच्छी आदत डाल सकता है,
क्योंकि इसके हेड के ऊपर कॉइन डालने के लिए एक होल मौजूद होता है और साथ ही आप जब चाहें उन कॉइन्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो वो कॉइन होते हैं वो एक बॉक्स में इकट्ठे हो जाते हैं और उससे ज़्यादा की भी मिलती है जिससे आप जब चाहें उन कॉइन्स को निकाल सकते हैं। ये कंट्रोल होता है अपने रिमोट से जिसमें से अलग अलग तरीके से नेविगेट करने और भी बहुत कुछ करने के लिए बटन्स मौजूद होते हैं। ये बोलता भी है अपने ऑटोमेटिक वॉइस से। इसके फेस के प्लेस पर ब्लैक स्क्रीन मौजूद होती है जिसमें इसके आईज और माउथ डिजिटली डिस्प्ले होते रहते हैं। इसे आप क्लैप करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लैपिंग करेंगे ये उसे डिटेक्ट करके डांस करने लगेगा। ये रोबो आपके छोटे मोटे काम भी कर देता है, जैसे किसी को कोल्ड ड्रिंक वगैरह देना हो या पानी वगैरह देना हो तो इस टाइप के काम भी आराम से कर देता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए तो एक परफेक्ट गिफ्ट हो ही जाता है। तो बात करें इसके प्राइस की तो आप इसे 2000 के आसपास AliExpress से परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप अपने ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर का या फिर अपने घर वालों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहते हैं और अपने घर वालों को एक ही घर में एक हेल्प पार्टनर देना चाहते हैं तो इस गैजेट को परचेज कर अपने घर पर ले आइए। ये छोटे से साइज का एक रोबो है जो अपने ऊपर एक स्क्रीन रखता है जिसके साथ आप अपने मेडिसिन को लेने के टाइम को सेट कर सकते हैं या आपके फेस को डिटेक्ट करके आपकी मेडिसिन आपको दे देगा। इसके बाद आपकी कोई भी जरूरी दवाई आपसे कभी मिस नहीं हो पाएगी और ना ही कोई डोज आपसे छूट पाएगा। ये आपके हर सवाल का जवाब भी दे देता है। साथ ही आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके स्मार्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। याद से आपके घर वालों का ख्याल भी रख लेगा। आप इसे अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों, अगर आप रियल लाइफ में वर्चुअल चीजों को देखने के साथ साथ उन्हें टच करके फील करना चाहते हैं तो मिलिए हैप्टो से, जो बिल्कुल एक VR बेस्ड गैजेट है। VR की दुनिया में क्या होता है, आप अपने आसपास की वर्चुअल चीजों को देख सकते हैं बिल्कुल रियलिटी के पर्सपेक्टिव में। तो हैप्टो की मदद से आप वर्चुअल चीजों को देखने के साथ साथ उन्हें टच करके फील भी कर सकते हैं। जैसे रियलिटी हेडसेट का क्या काम होता है, आपको वर्चुअल दुनिया में जाना और चीजों को दिखाना, ठीक वैसे ही हैप्टो का काम होता है उन चीज़ों को एक वर्चुअल फिजिकल फॉर्म देना और जब आप उन्हें टच करें तो वो टच आपको फील करवाना। तो सवाल ये उठता है, जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कैसे आप इन चीज़ों को इस गैजेट की मदद से टच कर सकते हैं? तो इसका जवाब है इसमें मौजूद छोटे छोटे अल्ट्रा सेंसिटिव पुशर्स। तो जब भी आप किसी भी वर्चुअल चीज़ को टच करेंगे तो ये पुशर्स आपकी स्किन को ऐसे टच करेंगे कि वो टच बिल्कुल 100% रियल लगने लगेगा। तो आपको करना क्या होगा, हैप्टो को सिंपली आपको कनेक्ट कर लेना होगा अपने VR हेडसेट से और देन इसे पहन लेना होगा अपने हाथ पर, जिससे आप अपनी वर्चुअल दुनिया से मौजूद सभी चीज़ों को टच कर पाएंगे बिल्कुल रियल फीलिंग के साथ। तो अगर आपको इसे परचेस करना है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं अमेजोन से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, जैसे हमें पता ही है कि पूरी दुनिया कोरोना के चलते एकदम शॉक में आ गई है, तो उसके चलते साइंटिस्ट ने एक एयर मास्क इन्वेंट किया है जो कि एयर को प्योरीफाई कर हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है जो कि डस्ट फ्री होती है। इसे यूज करके आप अपने बाहर के सारे अधूरे काम पूरे कर सकते हैं। इसमें मौजूद AI फैंस डस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर उन्हें अंदर नहीं आने देते, साथ ही आप इसे घर पर वॉश भी कर सकते हैं। को पहनने के बाद आउटसाइड वर्ल्ड आपसे कभी भी मिस नहीं होगा। जब भी हम सिंपल मास्क पहनते हैं तो वो मास्क बहुत सारी हीट जनरेट करते हैं और हमें गर्मी महसूस होती है, लेकिन ये AoAir मास्क बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है क्योंकि इसमें कूलिंग मटेरियल का यूज किया गया है। तो गाइस, जब भी बाहर जाएं तो इस गैजेट का यूज जरूर करें, इस गैजेट के लिए क्लैक तो बनता है। अगर आपको इस गैजेट को परचेस करना है तो आप इसे परचेस कर सकते हैं अमेजोन से, डिस्क्रिप्शन। तो गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर से सेट कर लीजिएगा ऑल पर,
ताकि ऐसे ही अमेजिंग गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो सेफ रहिए और एंजॉय करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टेक्निकल गैजेट्स के साथ। सो डीएस टेक्निकल गैजेट्स।